हेलो गाइस, वेलकम टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ ऑटोकैड बिगिनर्स कोर्स। आज हम लोग मॉडिफाई पैनल के इम्पॉर्टेंट कमांड्स सीखेंगे। हम तीन बेसिक कमांड से स्टार्ट करते हैं, मूव, रोटेट एंड कॉपी। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे मूव करना चाहती हूँ, तो मैं इसका शॉर्टकट यूज़ करूँगी एम एंटर, और मैं इसे कोई भी पॉइंट उठाकर कोई दूसरे डायरेक्शन में जाके रख सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। या फिर मैं उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले जाना चाहती हूँ, मूव करना चाहती हूँ, तो वो भी रख सकती हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी एम एंटर। अब मैं इसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखना चाहती हूँ, तो मैं टाइप करूँगी 1 एंटर। तो देखिए, ये एक डिस्टेंस पे आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड सीखते हैं कॉपी। कॉपी भी मूव की तरह ही होता है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, सी ओ, कॉपी के लिए सी ओ टाइप करते हैं, एंटर कीजिए। कहीं से भी उठा के आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार भी, ठीक है। नीचे, लेफ्ट में, ऊपर, जहाँ पे भी कॉपी करना है आप कर सकते हो। जैसे मूव में हमने एक डिस्टेंस पे रखा था, वैसे भी रख सकते हो। आप इसे उठाइए एंड मुझे इसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखना, तो 2 एंटर किया, 2 टाइप किया और एंटर। तो देखिए, 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे आ गया। लेकिन अगर मुझे बार बार कॉपी करना है, ठीक है, फिर से मेरे को 2 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए, फिर से मुझे कॉपी करना है, फिर से मुझे 2 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए। इससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसका एरे कमांड यूज़ कर सकती हूँ। कॉपी में ही एक एरे का ऑप्शन आता है। एरे मतलब एक रो में बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो ये सिलेक्ट कीजिए, कॉपी एंटर, ये बेस पॉइंट सिलेक्ट किया। अब देखिए, नीचे आ रहा है आपको सेकेंड पॉइंट डालना है या फिर एरे डालना है, तो मैं एरे सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए टाइप ए, एंटर। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, मतलब कितनी बार आपको कॉपी करना है। तो मैं चाहती हूँ 5 आइटम्स, ठीक है, तो आई टाइप 5। तो मुझे इसके अलावा 4 और आइटम्स आ जाएंगे और फिर मैं 5 टाइम्स ये कॉपी हो जा रहा है, ठीक है। बट अब वो मुझसे पूछ रहा है आपको कितने डिस्टेंस पे रखना है। ये देखिए, मैं इसको 3 मीटर्स पे रख सकती हूँ, 4 मीटर्स पे, 6 मीटर्स पे, कितना भी, ठीक है। सो नाउ आई विल पुट हियर, 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे मुझे सारे एक दूसरे से दूर चाहिए, तो एंटर। तो ये देखिए, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से 2 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ओके। अब हम सीखते हैं रोटेट कमांड। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, रोटेट के लिए इसका शॉर्टकट है आर ओ, आर ओ एंटर। और फिर आप कोई भी पॉइंट पे रखिए और उस जिस पॉइंट पे आप रखोगे वो उसी पॉइंट से रोटेट होगा। तो ये देखिए, सपोज मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करी और ये देखिए, तो ये ऐसे रोटेट होगा। अभी मेरा F8 चालू है, यानी कि मेरा ऑर्थो मोड चालू था, तो अभी मैंने वो ऑफ कर दिया। देखिए, मैं इसे कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको एक एंगल पे भी रोटेट कर सकती हूँ। अब सपोज मुझे इसको 45 डिग्रीज के एंगल पे रोटेट करना है, आर ओ एंटर डालूँगी, यहाँ पे रख के ऐसे कहीं पे भी मैं रख सकती हूँ और इसको 45 टाइप करके एंटर। तो ये देखिए, 45 डिग्रीज का रोटेट हो गया। रोटेट पे एक और ऑप्शन होता है कि हम लोग इसको एक पर्टिकुलर लाइन पे भी रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के बेसिस पे मुझे रोटेट करना है, मतलब ये लाइन मुझे स्ट्रेट करनी है, तब मैं क्या करूँगी, आर ओ एंटर। तो अब मैं इसमें अपना बेस पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ, कुछ भी आप बेस पॉइंट ले सकते हो, और फिर मुझे रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक लाइन लेनी है, सो आर एंटर। अब मुझे ये वाली लाइन सिलेक्ट करने के लिए मुझे इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, अब ये सिर्फ इस लाइन पे ही रोटेट होगा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन को ये छोड़ेगा नहीं। तो ये लाइन मैं स्ट्रेट रखना चाहती हूँ, सीधा रखना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। मुझे खाली अपना ऑर्थो मोड यहाँ से ऑन रखना पड़ेगा, या तो आप ऑर्थो मोड यूज़ कीजिए या तो पोलर मोड यूज़ कीजिए। पोलर मोड यूज़ करेंगे तो फिर आपको ग्रिड लाइन्स दिखेंगी, ये देखिए आपको ग्रिड लाइन दिख रही, तो आप इसको इस हिसाब से स्ट्रेट रख सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड सीखते हैं, दैट्स ऑफसेट। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा, या फिर आप उसको उसके लिए इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ओ एंटर, ओ एंटर। तो अब मुझे ये वाली जो मेरी वॉल्स हैं यहाँ पे, सपोज मुझे इसका थिकनेस देना है, वॉल थिकनेस, दैट इज़ 0.15 मीटर्स। सो आई टाइप 0.15 एंटर, और फिर मैं सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन कौन सी वॉल का ऑफसेट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एक एक लाइन को देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग लाइन्स हैं। अगर मैंने यही रेक्टेंगल रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके बनाया होता, तो फिर देखिए, अगर मैं इसे ऑफसेट देती हूँ तो एक साथ चारों वॉल्स पे ऑफसेट आ जाता है, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है नॉर्मल लाइन पे ऑफसेट देने में या फिर पॉली लाइन या फिर रेक्टेंगल पे ऑफसेट देने में। अब सपोज कीजिए, मुझे ऑफसेट तो लेना है लेकिन मुझे उसका डिस्टेंस नहीं पता, मुझे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से उसका रेफरेंस लेना है।
तब मैं ऑफसेट का थ्रू कमांड यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं ओ टाइप करूँगी एंड मैं मेरा डिस्टेंस तो टाइप नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे मेरा डिस्टेंस ही नहीं पता, तो इस डिस्टेंस की जगह आई टाइप टी। ठीक है, वहाँ पे थ्रू लिखा हुआ है देखिए, तो टी एंटर। अब मैं अपना ऑफसेट दूंगी कि मेरे को कौन सी वाली लाइन को ऑफसेट देना है, वो मेरे को लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मेरे को ये वाला लाइन सेलेक्ट करना है। अब ये कहाँ पे कॉपी करना है, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कीजिए वहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कॉपी करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब मुझे एक और बार वो ऑफसेट देना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं फिर से इसे सिलेक्ट करूँगी और फिर यहाँ पर दोबारा इसे सिलेक्ट करूँगी तो ये ऑफसेट आ जाएगा। फिर से इसे सिलेक्ट करूँगी एंड दोबारा इसे सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सो उससे बेटर क्या हो सकता है, आई कैन यूज़ मल्टीपल कमांड। तो अब मैं क्या करूँगी, ऑफसेट एंड यहाँ पे टी एंटर, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये एक ही बार कॉपी करना है या फिर बार बार कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं एम एंटर और फिर मुझे सिर्फ वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पर मुझे ऑफसेट चाहिए। ठीक है, तो मुझे बार बार उस लाइन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ क्लिक करूँगी वो ऑफसेट आता है। ठीक है, वही हमारा नॉर्मल वाले ऑफसेट में भी होता है। अगर आप नॉर्मल ऑफसेट यूज़ कर रहे हो 0.15 के डिस्टेंस पे और आपको बार बार ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो आप बार बार सिलेक्ट करने के बजाय आप एम एंटर टाइप कीजिए और आप खाली अंदर अंदर क्लिक करते रहिए, अपने आप ऑफसेट आ जाएगा, और बाहर बाहर क्लिक करते रहेंगे बाहर ऑफसेट आ जाएगा। ओके, अब हम अपना ट्रिम कमांड सीखते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सो ट्रिम मतलब लाइन को थोड़ा सा कट कर देंगे। तो अब इसके अंदर ये पूरी पॉली लाइन घूम रही है, मुझे इस पॉली लाइन को कहीं से भी ट्रिम करना है, तो मैं टी आर प्रेस करूँगी, टी आर डबल एंटर प्रेस करूँगी। ठीक है, टी आर में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि आप टी आर प्रेस कीजिए और एक ही बार एंटर प्रेस कीजिए, या फिर आप टी आर प्रेस कीजिए और उसके बाद दो बार एंटर प्रेस कीजिए। तो मैं पहले आपको दो बार एंटर प्रेस करने से क्या होता है वो दिखाती हूँ। सो टी आर दो बार एंटर एंड आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी ट्रिम करनी है, क्योंकि ये पॉली लाइन है तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप कोई भी लाइन जहाँ पर भी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए हमने ये वाली सिलेक्ट की, तो देखिए ये गायब हो गई, ये साइड में मैंने ये वाली सिलेक्ट की, तो ये देखिए ये वाली गायब हो गई। अगर मुझे इसके बीच का ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के बीच का लाइन निकाल देना है पूरा, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर दूँगी और देखिए ये ट्रिम हो जाएंगे। मुझे ये दोनों बॉक्स के बीच वाला जो बॉक्स आ रहा है मुझे ये निकाल देना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, इसे इसे, ये देखिए ट्रिम हो गया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिम कमांड। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, आप टी आर प्रेस करके सिर्फ एक बार एंटर प्रेस कीजिए, तब वो क्या बोलता है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट तक ट्रिम करना है। ठीक है, तो ये तब काम आता है जब हमारे पास बहुत सारी लाइन्स होती हैं और हमें एक साथ सारी लाइन्स को ट्रिम कर देना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ये देखिए अगर मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर ये वाली लाइन से आगे की सारी लाइन्स ट्रिम कर देनी है, तो अगर मैं ट्रिम कमांड लेके दो बार क्लिक करके अगर ट्रिम करती जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे बेटर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ एक रेफरेंस लाइन जिसके आगे की सारे लाइन्स वो मिटा देगा। तो मैं टी आर प्रेस करूँगी और एक बार एंटर प्रेस करूँगी, फिर मैं सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सी वाली लाइन के आगे की सारी लाइन्स निकालनी। तो सपोज़ कीजिए मैंने ये वाली लाइन सिलेक्ट की, तो अब मैं इसका या तो लेफ्ट पार्ट या तो राइट पार्ट ट्रिम कर सकती हूँ। तो मैं एक और बार एंटर प्रेस करूँगी, अब मैं वो ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगी जो मुझे ट्रिम करना है। सो ये देखिए मैं इसे ट्रिम कर रही हूँ तो पूरा लेफ्ट गायब हो जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगी तो ये देखिए पूरा राइट लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। अब हम सीखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड बिल्कुल ट्रिम के बाजू में ही होता है, आप इस आरो पे क्लिक कीजिए और उसके नीचे आपको एक्सटेंड मिल जाएगा, या फिर आप उसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो EXTEND। अब ये भी वैसे ही काम करता है ट्रिम की तरह, जैसे आप ट्रिम में दो बार एंटर प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे कमांड यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एक बार एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आपको कहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो अभी फिलहाल मैंने एक ही बार एंटर प्रेस किया, तो मैं एक और बार एंटर प्रेस कर देती हूँ, देखिए मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ इसे, तो ये देखिए ये एक्सटेंड कर रहा है, जितना जितना सिलेक्ट करूँगी तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट तक उसे एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये इसको एक एक करके एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मैं EX एंटर प्रेस करूं सिर्फ एक बार, तो मैं ये लाइन सिलेक्ट कर सकती हूं कि मुझे ये दो लाइंस यहां तक एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं प्रेस करूंगी एंटर, तो फिर मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगी तो डायरेक्टली उस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब हम सीखते हैं मिरर। मिरर कमांड यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखें
या फिर आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो एम आई। एम आई कमांड लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब वो मुझे बोलेगा कि मिरर लाइन बनाइए जहाँ पे आपको मिरर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर लाइन बनाऊंगी तो मुझे राइट साइड मिरर ऑब्जेक्ट दे देगा, यहाँ नीचे बनाऊंगी तो ये नीचे मिरर ऑब्जेक्ट दे देगा। तो ये देखिए मैं बीच में बनाती हूँ, और ये लाइन आप कैसे भी बनाओ वो उस हिसाब से मिरर बना दे। अगर मिरर ऐसा होता तो ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाता, अगर मिरर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट आ जाएगा। तो मैं स्ट्रेट करने के लिए अपना ऑर्थो मोड ऑन रख देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, और ये लाइन आप कितना भी छोटा बड़ा बनाओ इट डजंट मैटर, क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल लाइन है। तो यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स यस और नो। तो सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई सोर्स ऑब्जेक्ट, मेरे को अगर इसे इरेज करना है तो मैं यस पे क्लिक करूँगी, नहीं करना है तो नो पे। तो फिर हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। सो ये देखिए मेरा मिरर आ गया, मैं इसे नीचे मिरर करना चाहती हूँ तो वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक डिस्टेंस पे मिरर करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, आप लोगों को अगर मेरा प्रीवियस वीडियो याद होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपको ऐसा मिरर करना है तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद लेके डिस्टेंस टाइप कर सकते हो। यहाँ से आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाइए और टाइप कीजिए 1, एंटर। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे आया, अब मैं ऊपर क्लिक करूँगी, कहीं पर भी क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एंटर। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे चले गए, ये देखिए। ओके, अब हम सीखते हैं हमारा फिलेट कमांड। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये जो रेक्टेंगल है मुझे इसके दोनों फेसेस को मिलाना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, फिलेट यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसका शॉर्टकट टाइप कर सकते हो एफ एफ एंटर। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए एंड दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। फिलेट मतलब मोस्टली इंटरसेक्शन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ही 90 डिग्री का इंटरसेक्शन चाहिए हो। हो सकता है आपको फिलेट में एक कर्व चाहिए हो। अगर मुझे इसी सिचुएशन में मुझे मेरा जो फिलेट हो रहा है वो कर्व में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी एफ एंटर, बट उसका एक रेडियस डालना पड़ेगा। सो नीचे देखिए पॉलीलाइन आर ट्रेन मल्टीपल वगैरह आ रहा है, वहाँ पर आप आर टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, टाइप कीजिए 4 सपोज। तो ये देखिए कर्व आ गया, ठीक है। तो ये 4 मीटर्स के रेडियस का कर्व आ गया है। अब अगर मुझे वापस इसे 90 डिग्री करना है तो उसके लिए मुझे हमेशा अपना रेडियस को वापस 0 करना पड़ेगा। सो अगेन एफ एंटर, आर एंटर, 0 एंटर, और अब जब मैं 2 सिलेक्ट करूँगी तो ये देखिए 90 डिग्री आ गया। अगर मुझे इस तरीके के ऑब्जेक्ट में बार बार फिलेट यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एफ एंटर एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल लिख के आ रहा है एम एंटर एंड यू जस्ट कीप सिलेक्टिंग द लाइन्स कि आपको किसके बीच में रेडियस चाहिए। ओके, लेकिन ये एक पॉली लाइन नहीं है, नॉर्मल लाइन है। अगर ये पॉली लाइन होता तो हमें फिलेट देना और आसान हो जाता। लेट मी शो यू हाउ। अब ये एक पॉली लाइन है, मैं फिलेट लेती हूँ। ओके, रेडियस मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, रेडियस फिर से डाल देते हैं 5। अब मैं यहाँ पर पॉली लाइन सेलेक्ट करूँगी तो पी एंटर। अब ये देखिए मुझे सिर्फ इस पे एक बार क्लिक करना है और देखिए सारे कॉर्नर्स अपने आप को फिलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज चैम्फर। चैम्फर फिलेट के बाजू में ही होता है बिल्कुल। यहाँ देखिए फिलेट के बाजू में एक एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे उसके नीचे चैम्फर दिख जाएगा आपको। चैम्फर बिल्कुल सेम टू सेम फिलेट जैसे काम करता है। चैम्फर के लिए शॉर्टकट होता है CHA। ओके, सो आप CHA टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आप चैम्फर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसे शैम्फर करना चाहती हूँ थोड़ा सा, सपोज़ कीजिए मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ना है और वर्टिकल लाइन से 2 मीटर का डिस्टेंस छोड़ना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, CHA शैम्फर सिलेक्ट किया। अब मेरे को डिस्टेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो D एंटर। अब मेरे को फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस कितना चाहिए आपको, तो मेरे को फर्स्ट लाइन ऊपर वाली जो लाइन है मैं वो फर्स्ट सिलेक्ट करूँगी, तो उसके लिए मेरा डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर का, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है सेकेंड वाला डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, तो मुझे 2 का चाहिए। सो ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर से देखिए इसने 1 मीटर का डिस्टेंस किया और यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस किया। ये भी पॉली लाइन और मल्टीपल के लिए वैसे ही काम करता है जैसे फिलेट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट कमांड सीखते हैं स्केल। ये मेरी चेयर का एक ब्लॉक है, अब हम इसका डिमेंशन चेक कर लेते हैं, 0.45, 0.5 by 0.45,
यहाँ पर स्केल कमांड आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आप उसके शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो एस सी एंटर, और वो मेरे को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगी, अब वो मुझे बेस पॉइंट डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं कोई भी बेस पॉइंट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप अपना स्केल फैक्टर क्या डालना चाहते हो, ठीक है। या तो मैं इसे ऐसे ही रैंडमली ये देखिए छोटा या फिर बड़ा कर सकती हूँ, या फिर मैं इसका स्केल फैक्टर डाल सकती हूँ। स्केल फैक्टर मतलब मुझे इस चेयर का डबल चाहिए या फिर हाफ चाहिए या फिर 3 टाइम्स चाहिए, इस तरीके से। अब मैं इसका डबल करती हूँ, यानी कि मैं 2 एंटर करूँगी स्केल फैक्टर, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए मेरा चेयर का साइज़ बड़ा हो गया। मैं आपको इसका डिमेंशन चेक करके बताती हूँ। तो पहले वो 0.45 था, अभी देखिए 0.9 हो गया, और पहले ये वाला 0.5 था, अभी देखिए 1 हो गया, ठीक है। तो इसका स्केल फैक्टर इससे डबल हो गया क्योंकि मैंने 2 सिलेक्ट किया था। अब हम इसका स्केल फैक्टर छोटा करके देखते हैं। सो एस सी एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड स्केल फैक्टर 0.5, यानी कि आधा, ओके। सो एंटर। अब मैं इसका वापस डिमेंशन चेक करती हूँ, ये देखिए वो उसका आधा हो गया, ओके। दूसरा ऑप्शन स्केल का ये होता है, सपोज़ कीजिए ये मेरा रूम है और इस रूम को मुझे यहाँ पे दरवाज़ा लगाना है, ये वाला। अभी डोर मैं यहाँ पे मूव करती हूँ, तो ये देखिए ये डोर का साइज़ कितना छोटा है, यहाँ तक चाहिए मुझे तो डोर। तो मैं 2 तरीके से इसका स्केल चेंज कर सकती हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि मैं इसका डिमेंशन, अगर मुझे पता है मुझे इसका डिमेंशन 1 मीटर्स है, ये पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको स्केल करूँगी एस सी एंटर, इसका फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करूँगी और आर सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रेफरेंस करना है। सो आर एंटर। अब वो मुझसे पूछ रहा है अपना कौन सा वाला रेफरेंस लेंथ आपको पता है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पता है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करूँगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कितना है वो लेंथ, ठीक है, स्पेसिफाई न्यू लेंथ, वो लेंथ आपको कितनी करनी है, तो मुझे वो 1 मीटर की करनी है, तो मैं यहाँ 1 टाइप करूँगी एंड एंटर। तो देखिए कितना आराम से स्केल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको उसका डिमेंशन वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली इसे सिलेक्ट कीजिए, एस सी एंटर प्रेस कीजिए, अपना बेस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए एंड अब यहाँ पर आर प्रेस कीजिए, और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो मेरे को न्यू लेंथ स्पेसिफाई नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली यहाँ तक इसको बड़ा कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ पर मुझे लेंथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आराम से बड़ा हो गया। अब हम सीखते हैं स्ट्रेच कमांड के बारे में। ये देखिए यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा मॉडिफाई में, या फिर आप उसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, एस एंटर। यहाँ पर आपको 2 विंडोज़ दिख रहे हैं, एक विंडो 1.5 का और एक विंडो 1 मीटर का। सपोज़ मुझे 1 मीटर का विंडो 0.5 बड़ा करना है और मुझे दूसरे विंडो जितना करना है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकती हूँ। स्ट्रेच करने के लिए आई सिलेक्ट दिस मच पार्ट, एंटर, और फिर मैं यहाँ से उठा के इसे बड़ा कर दूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसका पोलर मोड से ऑप्शन लेके इसका यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, तो ये देखिए स्ट्रेच हो गया, या फिर एस एंटर एंड यहाँ पर 0.5 लिख सकती हूँ, तो ये देखिए ये उतने डिस्टेंस पे आ गया। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ें सेलेक्ट ना करें जो आपको स्ट्रेच नहीं करनी है। अब मैं स्ट्रेच करती हूँ, और अब ये देखिए मैं ये वाली लाइन भी सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, खाली मैंने एक लाइन रहने दिया। सब मैं इसे स्ट्रेच करके देखती हूँ, ये देखिए 0.5 डालती हूँ, तो ये देखिए ये वाला पार्ट भी स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा पार्ट स्ट्रेच करना चाह रहे हो, कौन सा नहीं करना चाह रहे हो, जिसे स्ट्रेच करना है सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये वाला लाइन भी सिलेक्ट कर लिया है तो वो स्ट्रेच होगा ही नहीं, डायरेक्टली मूव हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मॉडिफाई के ये कमांड्स समझ में आए हों, आप इसे यूज़ कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप इस पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिमेंशंस कैसे डालना है और किसी भी ड्राइंग में टेक्स्ट कैसे डालना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आई होप आप उसे ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।